नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर है बीजेपी को लेकर। आपको बता दूं कि बीजेपी ने अब दिल्ली के शाहीन बाग में हनुमान चालीसा पढ़ने का फरमान सुना दिया है। जी हां, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको विस्तृत बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे अपना यह जवाब जरूर दें कि शाहीन बाग के जो जिहादी हैं इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। मित्रों, आपको बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में 8 फरवरी को विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे, 11 फरवरी को नतीजे आएंगे और ऐसे में सभी पार्टियों ने दिल्ली को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है। ऐसे में इस बार दिल्ली में शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तकरीबन 50 दिनों से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और एक जिहादी भीड़ इस रास्ते को खाली करने का नाम नहीं ले रही है, इस रास्ते को हाईजैक करके रख लिया गया है। ऐसे में अब यह बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच आपको बता दूं कि शाहीन बाग में दरअसल होता क्या है, शाहीन बाग में नारे लगाए जाते हैं, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, शाहीन बाग में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। शाहीन बाग के पोस्टर, कई हमने पोस्टर भी आपको पहले दिखाए थे, जहां पर एक हिंदू महिला को दिखाया जाता है जो कि बिंदी लगाई हुई है और उसको बुरके से ढक दिया जाता है। यानी इस तरीके की विचारधारा इस वक्त शाहीन बाग में चल रही है। और शर्जील इमाम जो कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है, वो भी वीडियो बनाता है शाहीन बाग में जाकर और वहां पर असम को भारत से अलग करने की बात करता है। तो ये चल रहा है इस वक्त शाहीन बाग में। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि बीजेपी ने एक बड़ा फरमान सुनाते हुए शाहीन बाग में हनुमान चालीसा पढ़ने का फरमान दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दूं कि शाहीन बाग वो इलाका है जहां पर एक जिहादी भीड़ बैठी हुई है, लेकिन बीजेपी का यह साफ कहना है कि 11 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे तो दो चीजें खाली होंगी, पहला दिल्ली मुख्यमंत्री आवास और दूसरा शाहीन बाग। और यकीन मानिए कि शाहीन बाग में जिस दिन यह शाहीन बाग आजाद होगा इस जिहादी भीड़ से, शाहीन बाग में हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाएगी। आपको बता दूं कि अब शाहीन बाग जिस तरीके से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, तो अब जो कपिल मिश्रा जो कि मॉडल टाउन से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, अभी तो ओबीसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा। आपको बता दूं कि ओबीसी ने जिस तरीके से कल लोकसभा में एक बयान दिया था और यह कहा था कि वो जामिया के साथ हैं, वो जामिया के छात्रों के साथ हैं, लेकिन ओबीसी ये भूल गए कि जामिया के ये छात्र इतने मासूम नहीं हैं, ये वही है गुंडे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर जामिया के अंदर से पेट्रोल बम फेंके थे, ये वही गुंडे हैं जो नारे लगा रहे थे हमें चाहिए आजादी, छीन के लेंगे आजादी, हिंदुओं से आजादी। तो ये जामिया का हाल है, लेकिन ओबीसी कहते हैं लोकसभा के दौरान, लोकसभा में, कि हम जामिया के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में कपिल मिश्रा ने सीधे सीधे ये ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा का सीधे सीधे कहना है कि केजरीवाल तो पढ़ ही रहे हैं, अभी ओबीसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा। दरअसल कपिल मिश्रा ने आज ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, अभी तो ओबीसी भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा। ये हमारी ताकत एकता की ही ताकत है, ऐसे ही एक रहना है, इकट्ठा रहना है, एक होकर वोट करना है। हम सबकी एकता से 20% वाली वोट बैंक की गंदी राजनीति की कब्र खुद कर रहेगी, ये कहना है कपिल मिश्रा का। आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा लगातार सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था कि आपको यानी आम आदमी पार्टी को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए। दरअसल ऐसा उन्होंने किस लिए कहा था वो आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी का जवाब देखेंगे, आम आदमी पार्टी का नजरिया, तो आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से एक है जो लगातार एक तबके को फायदा पहुंचाती नजर आई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जब दादरी में अखलाक की मौत हो जाती है तो उसकी मौत पर दादरी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में डॉक्टर नारंग को मार दिया जाता है तो ये महाशय अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तक नहीं कर पाते। ये है अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा, और अब इस असली चेहरे को लाने का काम शुरू किया है कपिल मिश्रा ने। और उनका सीधे सीधे कहना है कि अभी तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अभी ओबीसी भी पढ़ेगा। मित्रों, इस बारे में अपनी राय भी मुझे जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरीके से सीएम केजरीवाल जिन्ना की, उन्होंने कहा था कि सीएम केजरीवाल जिन्ना की राजनीति कर रहे हैं, 20% मुस्लिम वोटों के लिए या आतंकियों और गद्दारों के साथ खड़े हैं। आपको बता दूं कि केजरीवाल उनमें से शामिल हैं, उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नजर आए थे, जो भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और जिस शाहीन बाग में
जिन्ना वाली आजादी के नारे लगते हैं और शाहीन बाग के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। और खुद आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक चैनल में यह कहा था कि हां हम शाहीन बाग के साथ हैं। तो यह है शाहीन बाग का सच और यह है आम आदमी पार्टी का सच। लेकिन अब रुकिए जरा, मैं दो तस्वीरें आपको और दिखाता हूं। केजरीवाल जो आज, आपको बता दूं कि ये मुद्दा सारा कहां से उठा। दरअसल केजरीवाल एक चैनल के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि एजेंडा न्यूज 18 का एजेंडा कार्यक्रम था और इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचते हैं और अपने को हनुमान भक्त बताते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी द्वारा उन्हें हिंदू विरोधी बताए जाने का भी विरोध किया। तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। यह महज वैसा ही है, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि लोकसभा चुनावों के वक्त राहुल बाबा टेंपल रन करते हैं और मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। वो राहुल गांधी जो उस पार्टी के सदस्य हैं जो पार्टी भगवान श्री राम का अस्तित्व तक नहीं मानती है, तो राहुल बाबा टेंपल रन करते हैं, जनेऊ को अपने कुर्ते के बाहर निकाल लेते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि वो वाकई में हिंदू हैं। खैर इनका पता नहीं है कौन, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदू हैं और टेंपल रन करने लग जाते हैं। ऐसा महज इसलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए आज केजरीवाल भी कर रहे हैं। केजरीवाल को भी आज हनुमान चालीसा इसलिए याद आ गई क्योंकि अब उन्हें यह खतरा है कि कहीं हिंदू वोट उनसे कट ना जाए। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने लग जाते हैं। वैसे खैर हनुमान चालीसा पढ़ी वो सही है क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। खैर फिलहाल आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने किया क्या था। अरविंद केजरीवाल की हकीकत आपको बताता हूं। 21 मार्च 2019 को अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और इसमें लिखा हुआ है संबंध सेंट दिस। दरअसल आपको बता दूं कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया और 21 मार्च को रात को 10:13 पर अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं और इसमें लिखा होता है किसी ने भेजा है। इस कैप्शन में एक जो तस्वीर है वो देख रहे हैं आप कि एक शख्स झाड़ू के साथ हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी झाड़ू आम आदमी पार्टी की झाड़ू है और स्वास्तिक जो कि हिंदुओं का निशान है, तो झाड़ू वाले हिंदुओं को मारते हुए दिख रहे हैं। सीधे सीधे इस बयान से यह समझा जा सकता है, सीधे सीधे इस निशान से। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब केजरीवाल जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो केजरीवाल शायद वो दिन भूल गए, अचानक से वो हनुमान भक्त बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं अचानक से हनुमान मैं जो है वो हनुमान भक्त हूं और मैं हनुमान चालीसा पढ़कर दिखा सकता हूं। लेकिन साल 2016 की बात करते हैं, जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लग रहे थे और केजरीवाल इन टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में थे, उस वक्त केजरीवाल ने एक कार्टून शेयर किया था। उस कार्टून की इमेज भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है जिसमें हनुमान जी को, भगवान हनुमान को एक दानव के रूप में दिखाया गया था, यानी एक राक्षस के रूप में दिखाया गया था। और इस कार्टून में यह दिखाया गया था कि मोदी के इशारे पर हनुमान जी दानव के रूप में जाकर जेएनयू में आग लगा देते हैं। उड़ते हुए हनुमान जी इसमें दिखाई दे रहे हैं और जिनकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो हनुमान जी का अपमान कर दिया था 2016 में, उनको दानव तक बता दिया था। लेकिन आज हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचकर। हालांकि पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है मित्रों, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। तो ये दोगुला चेहरा है आम आदमी पार्टी का, ये दोगुला चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। वैसे भी केजरीवाल को आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर पलटीवाल कहा जाता है, खुजलीवाल कहा जाता है, और जिस तरीके से ये गिरगिट से ज्यादा अपना तेज रंग बदल लेते हैं तो उसके लिए भी ये फेमस है। ये वही शख्स है जिसने अपने बच्चों की कसम खाकर यह कह दिया था कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को भी इसने भाड़ में हटा दिया, झोंक दिया और बच्चों की कसम खाकर भी ये कांग्रेस के साथ जाकर मिल गया था। ये वही शख्स है जिसने ये बोला था कि मैं गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन अब इसने गाड़ी भी ली, इसने बंगला भी लिया और अब ऐशो आराम की ये जिंदगी बसर कर रहा है। तो ये हैं दिल्ली के हराम आदमी पार्टी के, जी हां आम आदमी नहीं, मैं इसे हराम आदमी पार्टी कहूंगा, हराम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री। और इनका ये दोगुला चेहरा है जिस तरीके से ये हनुमान चालीसा पर भी राजनीति कर रहे हैं, भगवान हनुमान पर भी राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा का सीधे सीधे यह कहना है कि हनुमान चालीसा अब केजरीवाल नहीं ओबीसी भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी जामिया के गुंडों के साथ नजर आते हैं, शाहीन बाग के साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है, तो वो दिन दूर नहीं मित्रों जब शाहीन बाग भी खाली होगा
मुख्यमंत्री आवास भी खाली होगा और शाहीन बाग में अब नाराय तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे नहीं लगेंगे, वहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी हर भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि शाहीन बाग खाली हो और शाहीन बाग में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो इस खबर को हर हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए मित्रों इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि देश हित से जुड़ी खबरें आप तक लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।